इस वीडियो में मैं आपको गैलरी गो ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि गूगल ने बनाया है। ये ऐप गैलरी मैनेजर और फोटो एडिटर दोनों ही है, जिसका यूज कर आप अपने फोन में पिक्चर्स और वीडियोस को मैनेज कर सकते हैं, साथ ही फोटो एडिटर का यूज कर फोटोज को भी एडिट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर गैलरी गो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, लिंक का यूज कर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं गैलरी गो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए गैलरी गो ऐप ओपन होते ही आपसे परमिशन मांगेगा, तो अलाउ पे टैप कर दीजिएगा। एक वेलकम नोट आएगा जिसमें आपको एक छोटा सा इंट्रो होगा, इसे पढ़ लीजिएगा और कंटिन्यू पे टैप कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हम होम स्क्रीन पे हैं गैलरी गो ऐप के, तो आप देख सकते हैं गूगल ने कितना शानदार यूजर इंटरफेस बनाया है, कोई भी इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है। तो जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप अपने फोन में बाकी के फोटोज और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो देखिए बॉटम में मेन्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम अभी फोटोज में हैं। उसके बाजू में देखिए फोल्डर्स का ऑप्शन है मेन्यू में, इसमें मैं टैप कर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर गैलरी गो ऐप आपको आपके फोन में जितने भी फोल्डर्स हैं यहाँ पर फोल्डर वाइज लिस्ट करेगा। आप जिस किसी भी फोल्डर के फोटोज या वीडियोस देखना चाहते हैं उस पर टैप कर दीजिए। जैसे मैं अभी आपको समझाने के लिए कैमरा पे टैप कर देता हूँ, तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फोटोज है यहाँ लिस्ट करने लगा है। तो चलिए मैं आपको बैक ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों किसी भी इमेज को फुल स्क्रीन में देखने के लिए उस इमेज पर टैप करना होगा। जैसे इस इमेज पर टैप करता हूँ मैं, तो देखिए ये पूरी फुल स्क्रीन में ओपन हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फोटो को एडिट करना है। तो बॉटम में देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन एडिट का, इस पर टैप कर दीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे देखिए बॉटम में बहुत सारे फिल्टर हैं, मैं आपको एक एक फिल्टर अप्लाई करके दिखाता जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार फिल्टर्स हैं इस ऐप में, आप एक एक अप्लाई कर देखिएगा। और देखिए फिल्टर्स के नीचे रोटेट का ऑप्शन है, इसका यूज कर आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप का ऑप्शन यूज कर इस तरह आप देखिए इस टूल को ड्रैग कर सेलेक्ट कर ले कहां तक आपको क्रॉप करना है। उसके बाद देखिए टॉप पे सेव कॉपी का ऑप्शन है, इस पर टैप कर दीजिए, थोड़ी देर में आपकी इमेज सेव हो जाएगी। तो देखिए जैसे इमेज सेव होती है गैलरी गो ऐप आपको वो इमेज ऑटोमेटिकली ओपन कर उसका प्रीव्यू दिखाता है। अब देखिए बॉटम में कुछ और ऑप्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शेयर का, यहाँ मैं शेयर पे टैप कर देता हूँ। तो देखिए आप इस तरह इस इमेज को शेयर भी कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पर देखिए तीन वर्टिकल डॉट्स है, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेन्यू ओपन होगा और इसमें देखिए बॉटम में यूज एज एक ऑप्शन है, इस पर टैप कर दीजिए। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप अपने फोन के वॉलपेपर पर भी सेट कर सकते हैं इमेजेस को गूगल गो का यूज कर। तो चलिए मैं आपको वापस होम स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको गैलरी गो ऐप के कुछ और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि किसी भी एक इमेज को सेलेक्ट करना है तो उस पर लॉन्ग होल्ड कीजिए तो वो इमेज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, और बाकी इमेजेस को सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे टैप करते जाइएगा तो बाकी इमेजेस भी सेलेक्ट हो जाएंगी। टॉप राइट कॉर्नर पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन है शेयर का, इसका यूज कर आप एक या एक से ज्यादा इमेजेस एक बार में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिलीट का ऑप्शन है, आप एक या एक से ज्यादा इमेजेस या वीडियोस एक बार में डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों तीन वर्टिकल डॉट्स हैं टॉप पे, इस पर टैप कर दीजिए तो आपको देखिए सबको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल पर टैप कर दीजिए तो सारे फोटोज और वीडियोस सेलेक्ट हो जाएंगे। आप यहां से मूव करना चाहते हैं किसी फोल्डर में तो मूव टू फोल्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी टू फोल्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बैक ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको गैलरी गो ऐप के सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो टॉप राइट कॉर्नर पर देखिए तीन वर्टिकल डॉट्स, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेन्यू में सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर टैप कर दीजिए। देखिए आप गैलरी गो में आप डार्क थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टैप कर दीजिए तो डार्क थीम इनेबल हो जाएगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गैलरी गो ऐप का, आप अपने फोटोज और वीडियोज का ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा जिस भी जीमेल की आईडी से आप लॉग्ड इन है अपने फोन में, उस आईडी पर आपके सारे फोटोज और वीडियोस का बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब भी आपका फोन गुम जाए या जाने अनजाने में कोई फोटो या वीडियो डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था गैलरी गो ऐप जो कि बहुत ही शानदार ऐप है, मैं आपसे कहूंगा अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कीजिए और यूज कर देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा गैलरी गो ऐप को कैसे यूज करना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।